कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन झूठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लीजिए कादंबरी को, वो दामिनी की माँ को थप्पड़ मार रही है जस्ट सो दैट उसका पर्दाफाश ना हो जाए, और झेप भी नहीं रही है। मतलब कुछ लोगों को गिल्ट होती है ना कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है ना, इनको देख के लगता नहीं है कि इनको लाइफ में इतना भी इल्म है कि ये जो कर रही है वो बहुत गलत है। बहरहाल इस बीच राधा जो है शी हैज टू बी अ लिटिल सतर्क, क्योंकि उनकी लाइफ पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। माय गॉड, ये क्या हुआ? ये हमारी आंखों ने क्या देखा? कादंबरी ने कावेरी को थप्पड़ जड़ दिया। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? पल भर में ऐसा क्या हो गया कि वक्त ही बदल गए, जज्बात ही बदल गया? आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं ना कि कावेरी ने ऐसा क्या कर दिया कि कादंबरी को उस पर हाथ उठाना पड़ गया? तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं कावेरी के पास, जो बांट रही है हमारे साथ अपने दिल का हाल। क्या करे, हमारे दिल की जो तमन्ना पूरी हो गई है, बहुत तड़पाया है उस ढाई फुट चुड़ैल ने, हमें बहुत तड़पाया है। हमारी बिटिया मर गई, दुनिया से चली गई हमें बेसहारा करके। किसकी वजह से? किसकी वजह से? उस राधा की वजह से। इसीलिए जब मोहन उसका मंगल सूत्र छीनने आया ना, हमारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। इसीलिए हम अच्छे से डांस कर रहे थे और उसका चिढ़ा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। अब क्या करें, परिवार भी तो आ गया। अब कद्दू वैसे थी हमारे साथ, पर परिवार के सामने नाटक भी तो करना है ना, वरना हमारी पोल पकड़ी जाएगी। इसलिए झक मार के हमें उस ढाई फुट चुड़ैल के सामने माफी मांगनी पड़ी। इसे कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते, लेकिन कभी कभी उनकी ही करनी उन पर भारी पड़ जाती है, जैसा कि आज कावेरी के साथ हुआ है। राधा को परेशान करने निकली थी मोहतरमा, उन्हें क्या पता था कि थप्पड़ों की गूंज से उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये निर्दोष विधवा अभी की अभी सारे त्रिवेदियों को श्राप दे देगी, और हमारा श्राप तो लगता है। बहुत बुरा लग रहा है, और उस भी ये ढाई फुट चुड़ैल के सामने माफी मांगना बोले तो हमारे तो पैरों से जमीन खिसक गई है बस। लेकिन बदला जरूर लेंगे हम, इसका बदला हम जरूर लेंगे। खैर, यहाँ तो कादंबरी ने मोहन और परिवार वालों के सामने इस थप्पड़ के बहाने तो बात को संभाल लिया, लेकिन ये तो दर्शक भी जानते हैं कि झूठ का खेल ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, तो ये दोनों भी कब तक खैर मनाएंगी? वो दिन भी अब दूर नहीं जब इनके झूठ का पर्दा फाश होगा और सच्चाई से इनका आमना सामना होगा। लेकिन उसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।